आपके भीतर से जो निकलता है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है कि जो भीतर से निकलता है वह ज्ञान है और जो बाहर से आरोपित होता है, जैसे हमने वृक्ष को देखा, ट्रेन को देखा, हवाई जहाज को देखा, तो वह विज्ञान है। विज्ञान बाहर की चीज है, ज्ञान अंदर की चीज है। तो हम लोगों की हिंदी साहित्य में एक एक शब्द का बड़ा कीमत है, इसीलिए हिंदी साहित्य को लोग जो पढ़ते हैं, तुम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हो, रसायन विज्ञान पढ़ते हो, तो हिंदी वाले भाषा विज्ञान पढ़ते हैं। भाषा विज्ञान का मतलब होता है कि भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा के जन्म स्थान के बारे में जाने। अब जैसे उस दिन हमने बताया था तालव विषय के बारे में, जब दांत में हम ठोकर मारते हैं किसी शब्द, तो जैसे हम लोग लिखते हैं सर्प, तो सर्प शब्द में हम जीव से दांत को ठोकर मारते हैं। जीव से जब दांत में ठोकर मारते हैं और तुम बोल के देखोगे सर सर, तो तुम्हारी जो जीव है, जब उसने लिखाया था तुमको, ये जीव शब्द स्त्रीलिंग है और जी शब्द पुल्लिंग है। हाँ, याद रखो कि जब तुम्हारी जीव दांत में ठोकर मारती है तो दंत्य शब्द, देखो दंत्य दांत में ठोकर मारे उसको कहते हैं दंत्य। ये इसमें लिखने में गलती होती है तुम लोग, दंत्य क्या है, दंत्य समझ आ गया, जो दांत से बोला जाए वह होता है दंत्य, ठीक है। जो दांत के कैसे बोला जाता है, दांत के में तुम्हारी जीभ ठोकर मारे तो उसको बोलेंगे दंत्य, द न ता या संयुक्त, ठीक है। द न आधा न आधा त और य, दंत्य, ठीक है, क्या हो गया। तो हम लोग जो बोलते हैं बड़ा वैज्ञानिक शब्द है, हिंदी साहित्य बहुत ही बड़ा विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी भारी है। अब देखो फिजिक्स में यह नहीं पढ़ाया जाता है कि दांत के सहारा जो बोला जाए वो दंत्य है, ठीक है। अब दंत शब्द एक होता है तालव्य शब्द, तालव्य लिखो तो आकार लो वह संयुक्त, तालव्य मतलब कि जो अक्षर तालु की सहायता से बोला जाए, जो अक्षर तालु की सहायता से बोला जाए उसको कहते हैं क्या बोलेंगे, तराबे नहीं बोलना, तालव्य। कैसे बोलोगे, हाँ तालव्य, जो तालु की सहायता से, तालु है ना, तुम्हें पता है तालु कहाँ है, तुम्हारा तालु कहाँ है, हाँ बोलो, ठीक है ठीक है, बोल रही हूँ। ये शर्माने की क्या बात, तुम्हारे पार्ट है सब बॉडी का है, हाँ जो जीव है ना तुम्हारी, तुम्हारे जीव का जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ है ना, तो जीव के ऊपर का जो है जिसमें रेगा रेगा लगा हुआ है, और रेगा क्यों लगा हुआ है, जब तुम खाओगे तो वह भीतर चला जाए, बाहर न गिरे, भगवान बहुत सोच समझ के लगाए, उसको कहते हैं तालव्य। याद रखें एक और होता है मूर्धन्य, हाँ मुर्दा से जो बोला जाए, मुर्दा से, मुर्दा कहाँ है, मुर्दा तुम्हारे टॉन्सिल के आगे का भाग,
टॉन्सिल है ना तुम्हारे पास, हाँ, तो टॉन्सिल के आगे का जो भाग है ऐसे ऐसे जब तक, उसी को देहात में लबलबी कहते हैं, हाँ लबलबी, हाँ, तो उसको उसको मुर्दा से, मुर्दा जो है तुम्हारे टॉन्सिल के आगे के भाग को मुर्दा कहते हैं, तो उसी को सहारे जो अक्षर बोला जाए, जैसे देखो मूर्धन शब्द ये वो पहले देखा सन वाला शब्द, दूसरा देखा शाबाश तालब्य शब्द, और तीसरा है मूर्धा वाला शब्द, मूर्धा, तो मूर्धा वाला के लिखो कि भाषा, भाषा, ठीक है ना, और दूसरा शब्द है षड, मूर्धन स षट, षट, षट विकार, जैसे कहते हैं षट विकार, छह गो विकार होता है तुम्हारे पास, कौन कौन है छह गो विकार, हाँ, लोभ, मद, मोह, अहंकार और मत्सर, मत्सर, म तस संयुग र मत्सर, तुम्हारे पास प्रत्येक जो जीव है, तुम जो जितने लोग पैदा होते हैं उनके पास ये छह को अवगुण होता है, यह षड विकार कहते हैं इसको, षड विकार किसको कहेंगे, काम क्रोध ये सब जो है ये हम लोगों का षड विकार होता है। अगला शब्द याद रहेगा, हम समझते हैं बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग, तो इसलिए कहा कि तो हिंदी लिखने के लिए जरूरी है कि देख तो तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी हो, लिखावट अच्छी हो, लिखावट अच्छी होगी तुम्हारा एप्लीकेशन लो, तुम्हारे जो डायरेक्टर चेयरमैन होगा वो तुरंत स्वीकार करेगा, ये सुंदर सुंदर चेहरा से नहीं होगा, सुंदर लिखावट से होगा। बहुत हम लोग इंटरव्यू में देखते हैं टीचर का, ये टीचर जो बढ़िया लिखती है उसको पहले सेलेक्शन करते हैं, और जिसकी लिखावट अच्छी नहीं है पहले उसको छांटते हैं। तो तुम लोगों को अगर जीवन में छांटना नहीं है तो लिखावट को सुधार करो, अभी भी चाहोगे तो सुधार जाए। वाह सटा हुआ होना खाना में वो थोड़ा मुड़ जाएगा, वो भी मुड़ जाएगा, तो वो मुड़ जाने के बाद वो हो जाएगा खाना, और रो जब पूरा नीचे गिरेगा तब रवाना, बहुत याद रख लेना, लिख लिया ठीक से फिर लिखो, घर में तुम्हारे फ्रेंड्स पूछेंगे तो बता देना, ठीक, रवाना और खाना ये इस पे जोर तो हमेशा मैंने लोगों को दिक्कत होने लगती है। चलिए कोई बात नहीं, फिर हिंदी दूसरे दिन और पढ़ाओ बताओगे। अभी एक चीज बताए, तुम्हारे गार्जियन में से एक व्यक्ति ने उस दिन पूछा था, या आपने सवाल कुछ लिखाया बच्चों का, अमुक अमुक कौन थे, बहुत अच्छा लगा, तो हमने को हमको भी हिम्मत लगी कि नहीं बच्चों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिलाना चाहिए, सिखा देना चाहिए, ठीक है। कंठ के नजदीक में आता है तो तुम्हारे शरीर का अगर भाग निर्धारित किया जाए, पार्ट बनाया जाए, तो कंठ के नीचे जहाँ टॉन्सिल वाला गड्ढा है ना उसके नीचे वह विशुद्ध आता है, ठीक है, हो गया। अब एक और है, एक बहुत छोटा सा, वहां के आगे अच्छा थे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तुम्हारे कपाल पर तुम्हारे दोनों भावों के बीच में, जहां हम लोग चंदन करते हैं, औरतें टीका लगाती है, सिंदूर करती टीका मत लगाती है कोई जगह, दोनों भावों का जो भाव है उसके बीच के भाग को कहते हैं क्या, बहुत अच्छा। अब तुम कभी इसका प्रयोग करना एकांत में कमरे में बैठ के, तुम अपना ध्यान उसी जगह तुम ले जाना,
अपना आंख बंद करके और जरा ध्यान ले जाना मुझे आज्ञा चक्र पर, थोड़ी देर के बाद तुमको सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, दर्द हो जाएगा। क्यों? तुम आज्ञा चक्र को डिस्टर्ब कर रहे हो, छू रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, यही आज्ञा चक्र है। और सबसे अंतिम और सबसे कीमती चीज है सहस्रार, सहस्रार सहस्रार सबसे, यह सहस्रार कहाँ है तुम्हारा? दुख दुखी देखो वो बच्चा को जन्म होते समय देखे हो, नहीं देखो किसी बच्चे को जन्म होते हुए नहीं देखा है? ये 2 साल तक मैंने नहीं रहता रहता है, नहीं 6 महीना तक के बच्चा को देखो ना, उसकी माँ उसके तेल करू तेल तुमको रखा गया था, तुमको भी करू तेल लेके गर्म करके और तुम्हारे माथा पर, और तुम अभी भी देखोगे तो अभी तो हार्ड हो गया होगा लेकिन गड्ढा है, गड्ढा दिखेगा वो, ये ना बहुत कीमती चीज है। नहीं तुम देख लेना, छोटा बच्चा भी दिख जाए, पीछे नहीं जाना है, आगे बीच माथ पर जहां गड्ढा है, तो यह बड़ी कीमती है। या इसको कहते हैं सहस्रार, सहस्रार, सहस्रार का मतलब हुआ यह सूर्य का स्थान है। औरतें बाल रखती है इसलिए कि सूर्य की रोशनी उसके सहस्रार के माध्यम से उसके नीचे चल जाती रहती है। तुम लोग सूर्य की रोशनी से सूर्य की रोशनी को भीतर ले जाती हो तो उसको सहस्रार के माध्यम से होता। कभी कभी ऐसा भी होता कि आदमी जब मरता है तो उसका प्राण भी उसी मार्ग से निकलता है, लेकिन जब उस मार्ग से दिव्य लोगों को निकलता है, महान संत भगवान बुद्ध महावीर ऐसे जो लोग हैं उनका प्राण उसी मार्ग से निकलता है तो उन्हें डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है। लेकिन अधिकांश 99% लोगों का प्राण वहां से नहीं निकलता, वो दूसरे अंग से निकल जाए, नीचे से निकलेगा, साइड से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, हाथ से निकल जाएगा। वह प्राण जब निकलता है तो उसको अधोगति मानते हैं। अधोगति मतलब एक शब्द अधोगति, अधोगति मतलब निकृष्ट जोड़ी, सबसे खराब अधोगति होती है, ठीक है। तो हम लोगों को यही होता है, वी आर लिविंग इन सेवन स्टोरी बिल्डिंग। हम लोगों से पूछना किसी से जब बातचीत हो तो हाउ वी आर लिविंग इन सेवन स्टोरी बिल्डिंग, 7 महल के मकान में हम रह रहे हैं, तो पहला तल हुआ उसका मूलाधार, दूसरा तल हुआ स्वाधिष्ठान, तीसरा हुआ मणिपुर, चौथा हुआ अनाहत, पांचवा हुआ विशुद्ध और छठा हुआ अज्ञा चक्र। कहाँ है? दोनों भाव के बीच में, हाँ अज्ञा चक्र। और अंतिम क्या है? अद्भुत चीज है वो, संत लोग अपने प्राण वायु को नीचे से वही मूलाधार से प्राण को उठाते हैं, प्राण को उठाते हैं, मूलाधार में तुम्हारा प्राण रहता है। तो तुम साधना जो करोगे तो यहां से नाभि से लेके प्राण धीरे 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 ऊपर उठेगा, तो जितना ऊपर उठेगा उतनी सिद्धि तुमको मिलती चली जाएगी, उतना दिव्य बन जाओगे। और दिव्य कौन मानता है? जिसका आचरण चरित्र या व्यवहार वह सब उत्तम कोटि का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दिव्य। वो आदमी दिव्य बन गया मतलब उसका आचरण विचार सब दिव्य बन गया है, ठीक है।